हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट योर लाइफ। दोस्तों, क्या आपका भी गलत चालान कट गया है? अगर हाँ तो दोस्तों अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर बैठे गलत चालान कट गया है तो उसे कैसे कैंसिल करवाए। तो दोस्तों वीडियो को कर दे अभी से लाइक और साथ ही कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप दोस्तों चालान को कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। दोस्तों आपको बता दे, अगर कट गया है गलत चालान तो नो टेंशन, घर बैठे चालान कराए कैंसिल। दोस्तों आपको बता दे, अगर दोस्तों आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आप बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं और आपका गलत चालान कट गया है तो दोस्तों ये खबर आपके लिए ही है। दोस्तों आपको बता दे, जैसा कि आप जानते ही हैं, ओवर स्पीड, रेड लाइट जंप और स्टॉप लाइट से आगे गाड़ी रोकने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिल्ली में जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कैमरे नियम तोड़ने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट क्लिक करके चालान जनरेट करके वाहन मालिक के नाम पे भेज देते हैं। दोस्तों आपको बता दे, लेकिन दोस्तों अब ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कैमरे कई बार गाड़ी की नंबर प्लेट को ठीक से रीड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से गलती करने वाले के बजाय किसी और व्यक्ति का चालान कट जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह रहती है कि जो गलत चालान कट गया है तो उसे कैसे कैंसिल करवाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है और इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समस्या का भी समाधान है। दोस्तों आपको बता दे, ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऑटोमेटिक सिस्टम में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि कई बार लोगों की गाड़ी की नंबर प्लेट पर या तो नंबर सही तरीके से नहीं लिखे होते हैं या फिर नंबर प्लेट पर धूल मिट्टी लगी होने से गाड़ी नंबर के साफ नजर नहीं आते हैं। दोस्तों जिस वजह से गलत चालान जनरेट हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें, गलत चालान को लेकर परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपका भी गलत चालान कट गया है तो ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके इस बारे में जानकारी आप उनको दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के अलावा उन पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी आप उन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस इस तरह की शिकायतों की जांच करके गलत कटे चालान को कैंसिल कर देती है। आप अपनी शिकायत दोस्तों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दे देंगे, वहां जाकर आप उनको ईमेल भी कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये भी बता दे, इसके अलावा आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए ये भी नंबर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस पूरे प्रोसेस में किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हालांकि दोस्तों कभी कभार ईमेल पर शिकायत भेजने के बाद कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके मेल बाउंस हो जाते हैं या मेल करने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है और चालान कैंसिल नहीं होता है। ऐसे सभी शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए अब उनका निपटारा भी किया जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना गलत चालान घर बैठे कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। और दोस्तों रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए और अपने लाइफ को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।